यूपी में मदरसों को लेकर के चंद घंटे पहले जब एसआईटी ने अपनी लिस्ट यूपी सरकार को सौंपी तो कई मदरसे रडार पर आ गए हैं। कितने मदरसे जांच की जद में हैं और क्यों, अब आगे देखिए सुपर एक्सक्लूसिव इन्वेस्टिगेशन। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में श्रावस्ती बहराइच, ये वो इलाके हैं जहां पर कई मदरसे जांच की जद में आ गए हैं और जानते हैं क्यों। एसआईटी ने रिपोर्ट सौंपी है और लगभग 13,000 अवैध मदरसों को बंद करने का रिकमेंडेशन दे दिया गया है। ये 13,000 मदरसे आखिरकार क्यों शक के दायरे में हैं? यहां पर अंदर क्या कोई ऐसी गतिविधि चलती थी जिसकी वजह से आशंकाएं हैं? बहुत बड़ा सवाल है। बिग ब्रेकिंग से मैं इस सेगमेंट की शुरुआत करता हूं। यूपी में मदरसों को लेकर के एसआईटी ने बहुत बड़ा खुलासा किया है। यूपी में 13,000 अवैध मदरसे हैं, एसआईटी रिपोर्ट में ये मुझे पता चला है। अवैध मदरसों को खाड़ी देशों से फंडिंग मिली, एसआईटी को 100 करोड़ की फंडिंग की आशंका है। अवैध मदरसों को लेकर एसआईटी ने सौंपी रिपोर्ट, 13,000 अवैध मदरसों को बंद करने की सिफारिश की गई है। ज्यादातर मदरसे नेपाल भारत बॉर्डर पर हैं, अब कार्रवाई करने के लिए तैयारी की गई है। इंडिया न्यूज संवाददाता संजय मिश्रा बहराइच से लाइव, यूपी की राजधानी लखनऊ से पंकज मंडल लाइव, गोरखपुर से सुशील कुमार रिपोर्टिंग कर रहे हैं। पहले संजय मिश्रा के पास चलते हैं। संजय, इंडो नेपाल बॉर्डर पर कौन कौन से वो जिले हैं, क्योंकि श्रावस्ती बहराइच महाराजगंज और गोरखपुर से लगे हुए कई इलाके जो अभी जांच की जद में हैं, लेकिन जहां पर आप हैं बहराइच में, क्या यहां पर भी कुछ ऐसे मदरसे हैं जो अवैध रूप से जांच की आंच जिन पर है? जी बिल्कुल राशि, देखिए मैं आपको बताऊं कि सिर्फ बहराइच श्रावस्ती और लखीमपुर ही नहीं, बल्कि मैं आपको बताऊं कि नेपाल से सटे जितने भी जनपद हैं, महाराजगंज से लेकर के पीलीभीत तक, ऐसे 7 जनपद हैं जो नेपाल से बिल्कुल खुली हुई सीमा से सटे हुए लगते हैं। ऐसे में साफ तौर पर इन्हीं जनपदों के बिल्कुल नेपाल सीमा से सटे ये मदरसे हैं। अगर हम बहराइच की बात करें तो बहराइच में तकरीबन 495 ऐसे मदरसे गैर मान्यता प्राप्त हैं और अवैध तरीके से संचालित हैं, जो एसआईटी टीम में खुलासा हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तो ये बड़े मदरसे हैं जिनका खुलासा हुआ है, छोटे छोटे मदरसे हर जनपद में तकरीबन 400 से 500 की संख्या में है जो पूरी तरीके से अवैध रूप से संचालित है। साफ तौर पे जिस तरीके से देखा गया है कि नेपाल से आने वाले जो लोग हैं उनका कोई इतना बड़ा दस्तावेजों की मांग नहीं होती है, कोई बड़ी जांच नहीं होती है, ऐसे में साफ तौर पर खुली सीमा का लाभ लेकर के और तमाम ऐसे नेपाल से जो लोग हैं वो इन मदरसों में आते हैं और आने के बाद यहाँ पे तालीम हासिल करते हैं। एसआईटी टीम ने जब जांच किया था तो उस समय इंडिया न्यूज की टीम भी साथ में लगी हुई थी और लगातार हम लोगों ने ये दिखाने का प्रयास किया था कि जिस तरीके से मदरसे के जो संचालक हैं वो एसआईटी टीम को जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसका भी ये असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि दस्तावेज। इंडिया न्यूज संवाददाता सुशील के पास चलते हैं। सुशील, गोरखपुर और महाराजगंज से लगे हुए इलाके भी नेपाल बॉर्डर से बहुत कम दूरी पर हैं, यहां पर कितने मदरसे हैं जिन्हें लेकर के एसआईटी ने रिपोर्ट फाइल की है जो शक के घेरे में है? देखिए राशि जी, जो लगातार एसआईटी की टीम जो जांच कर रही थी उसमें अगर गोरखपुर की अगर बात करें तो गोरखपुर में तकरीबन जो है 150 के आसपास ऐसी संख्या है जो अवैध मदरसे से जो अभी तक फिलहाल जो जानकारी मिल रही थी। तो जो 150 मदरसे जिनका आप जिक्र कर रहे हैं सुशील, जिनका भी आपने जिक्र किया, इन्हें फंडिंग देने वाला कौन है? देखिए इसकी जांच अभी लगातार एसआईटी कर रही थी, क्योंकि इनका जब इनसे जब इंडिया न्यूज से बात की थी तो इनका कहना था कि हमें चंदा मिलता है और चंदे के जरिए हम अपने पूरे मदरसे को चलाते हैं, तालीम देते हैं और टीचरों का कुछ वेतन चलता है, केवल कुल मिला जुला करके हम बस किसी तरह से तालीम देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि पूरी तरीके से हाइट। ठीक है सुशील, सुशील आते हैं आपके पास में, पंकज मंडल भी इंतजार कर रहे हैं। पंकज मंडल, एसआईटी ने रिपोर्ट सौंप दी है, यूपी गवर्नमेंट का एक्शन कब तक हो जाएगा इन मदरसों को लेकर और अभी आगे इन्वेस्टिगेशन में कितने एंगल्स हैं? फंडिंग को लेकर के क्या सामने आया है? फंडिंग कहां से की गई, किन नेशन से की गई, क्या गल्फ से भी फंडिंग हुई है? देखिए बिल्कुल, एसआईटी ने पूरी जांच कर ली है और अभी भी जांच के दायरे में तमाम चीजें आ रही है कि जो 100 करोड़ से भी ज्यादा का फंड आया गया तो वो किस तरह से आया, उसका लेखा जोखा कहाँ पर है, ये सारी चीजें एसआईटी अपनी रिपोर्ट बना चुकी है। हालांकि जो मदरसा बोर्ड है, मदरसा बोर्ड को जो सिफारिश की गई कार्रवाई के लिए, जो एसआईटी टीम ने जो 13,000 जो अवैध मदरसे है इसमें कैसे संचालन होता था, संचालन कैसे किया जाता था, इनका संचालन कौन करता था, फंडिंग कहाँ से होती थी, इसमें जो तालीम हासिल करने वाले वो कौन होते थे, इसमें तालीम देने वाले कौन होते, सारी चीजें एक एसआईटी रिपोर्ट में। संजय सुशील,
वकील पंकज मंडल, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इन्वेस्टिगेशन को आप ऑन रखें। अगर ये मदरसे अवैध तरीके से चल रहे थे तो हमारा सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब तक किन्हें वरदहस्त देने वाला कौन है, इन्हें फंडिंग करने वाले लोग कौन है, फंडिंग का सोर्स क्या है और फंडिंग का जो पूरा नेटवर्क है इस चेन में कितने लोग शामिल हैं। आगे SIT जांच में यह भी खुलासा होने वाला है।